हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्थसिद्धि क्लासेस। हम देख रहे थे 10th स्टैंडर्ड का साइंस पार्ट 2 का 6th लेसन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ये लेसन के पहले दो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं और इसके आगे का पार्ट आज हम देखेंगे। अभी आज के वीडियो लेक्चर में हम जो एनिमल क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे एनिमल क्लासिफिकेशन किया था, ये देखेंगे। इसके पहले जो एक वीडियो लेक्चर हुआ था, ये लेक्चर में ये क्राइटेरिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट कंप्लीट किया था। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या देखा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे एनिमल क्लासिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे जैसे कि टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन रहता है, सेल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन रहता है, या ऑर्गेन टिश्यू लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये पार्ट कंप्लीट किया था। उसके रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाउट रहेगा, तो आप ये पिछला वीडियो देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम जो रिमेनिंग कुछ क्राइटेरिया हमारे बचे हुए थे, इसके बारे में देखेंगे। तो देखो, टोटल यहाँ पे 5 क्राइटेरिया थे। ये कौन कौन से थे? सबसे पहला जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा हो चुका है। सेकेंड था, यहाँ बोर्ड पर लिखा है, जो कि बॉडी सिमेट्री था। थर्ड वन है जर्म लेयर्स, और फोर्थ वन था बॉडी कैविटी, और लास्ट वन था बॉडी सेगमेंटेशन। तो ऐसे 5 पॉइंट्स के बेसिस पे ये एनिमल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया गया है। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। तो अभी बचे हुए जो 4 पार्ट्स है, ये हम डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा सेकेंड पार्ट है, ये है बॉडी सिमेट्री। अभी बॉडी सिमेट्री का मीनिंग क्या है या मतलब क्या होता है? देखो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी को जब हम किसी इमेजिनरी एक्सिस से कट करते हैं, तो ये बॉडी 2 इक्वल हॉल्स में क्या होती है, डिवाइड होती है, या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। इसको कहते हैं बॉडी सिमेट्री। तो देखो, इसका स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखा है। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है कि इन इमेजिनरी सेंस, इफ अ बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज कट थ्रू इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी, इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस 2 इक्वल हॉल्स। देखो, कोई भी एक इमेजिनरी सेंस से हमें काम कर रहे हैं, और कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस ले रहे हैं, ये एक्सिस से हम बॉडी को कट कर रहे हैं। तो कट करने के बाद हमें 2 पार्ट्स मिलते हैं, 2 हॉल्स उसके तैयार होते हैं। बट ये दोनों पार्ट हर टाइम ऐसे नहीं होता कि दे दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं। ओके, तो यहाँ पे वही मेंशन किया है कि दिस 2 पार्ट्स मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस 2 इक्वल हॉल्स। ओके, मतलब ये जो पार्ट्स है, जिस इमेजिनरी एक्सिस से हम इसको बॉडी को कट कर रहे हैं, तो ये बॉडी के एग्जैक्ट 2 सिमिलर पार्ट्स नहीं होते। तो कौन सा भी एनिमल ले लो, हर एक एनिमल में ऐसे नहीं होगा। मतलब थोड़े बहुत एनिमल्स ऐसे हैं कि उनका एक एक्सिस होता है, ये एक्सिस से हम बॉडी को कट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। बट सारे एनिमल्स का ऐसे नहीं होता। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म में हमें इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। तो अभी देखो, फिर ये आता है कि एनिमल्स ऐसे है कि जिसके बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं एग्जैक्ट इक्वल रहते हैं। तो थोड़े बहुत एनिमल ऐसे है कि जिनके बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं बट दे आर नॉट इक्वल। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे सिमेट्री के फिर और कुछ टाइप्स रहते हैं। तो ये कौन कौन से टाइप्स है देखो। सो फर्स्ट है कि असिमेट्रिकल बॉडी, सेकेंड है रेडियल सिमेट्री, और थर्ड वन है बायलैटरल सिमेट्री। मतलब ये सिमेट्री के टाइप्स है। जैसे कि कौन से सिमेट्री के, मतलब कोई एक एनिमल की बॉडी हम इमेजिनरी एक्सिस से उसको कट कर रहे हैं तो हमें 2 इक्वल एग्जैक्ट पार्ट्स मिल रहे हैं, तो उसका एक सिमेट्री का टाइप है, वो अलग है। कोई कोई एनिमल से हम कहाँ से भी उसको कट करेंगे, हमें इक्वल पार्ट मिलते ही नहीं है, तो उसी टाइप का जो सिमेट्री है उसका टाइप अलग है। तो ये डिटेल में देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देखेंगे असिमेट्रिकल बॉडी। अभी असिमेट्रिकल बॉडी का स्टेटमेंट देखो, इन केस ऑफ सच अ बॉडी देयर इज नो एनी सच ए इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट 2 इक्वल हॉल्स। अभी ये जो बॉडी है, ये बॉडी असिमेट्रिकल बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, सपोज असिमेट्रिक बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उसको हम यहाँ, मतलब उसके बॉडी में कौन सा भी एक इमेजिनरी एक्सिस होता ही नहीं है कि जिसे एक्सिस से हम उसको कट करें। मतलब उसको कहाँ से भी कट करें, हमें कोई भी 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलते। ओके, तो यहाँ पे यही मेंशन किया है कि इन केस ऑफ सच बॉडी देयर इज़ नो एनी सच इमेजिनरी एक्सिस। वहाँ पे एक भी ऐसा इमेजिनरी एक्सिस नहीं होता कि जिस इमेजिनरी एक्सिस से हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। ओके, और इसका एग्जांपल दिया है कि स्पंज। अभी देखो, स्पंज की जो बॉडी रहती है, उसी बॉडी को हम कट करेंगे, किसी भी इमेजिनरी एक्सिस से हमें उसको कट करेंगे तो हमें इसके इक्वल 2 पार्ट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये है असिमेट्रिकल
बॉडी का एग्जांपल। अभी सेकेंड वन देखो, रेडियल सिमेट्री। नाउ रेडियल सिमेट्री में क्या होता है देखो, तो इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ इमेजिनरी कट पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस बट एनी प्लेन ऑफ द बॉडी इट गिव्स टू इक्वल हार्ट्स। अभी जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री में कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस है और उसी इमेजिनरी एक्सिस से हम बॉडी को कट कर रहे हैं, तो उसका एक सेंट्रल एक्सिस होता है, एक्चुअली वो प्लेन में रहती है तो एक सेंट्रल एक्सिस होता है और उसी सेंट्रल एक्सिस से हम उसको कट करेंगे तो हमें उसके क्या मिलते हैं, बॉडी के इक्वल हाल्व मिलते हैं या पार्ट्स मिलते हैं। उसका एग्जांपल दिया है कि स्टार फिश। अभी ये जो स्टार फिश है, स्टार फिश के बॉडी की सिमेट्री हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसी वक्त हमें ये ध्यान में आता है कि स्टार फिश के हमें कौन से भी एक इमेजिनरी एक्सिस से उसको कट करते हैं तो हमें वहाँ पर इक्वल प्लेन में उसके क्या मिलते हैं, तो इक्वल ऐसे पार्ट्स मिलते हैं। ओके, सो देखो इन स्टार फिश, इन केस ऑफ दिस एनिमल देयर आर 5 डिफरेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हार्ट्स। अभी देखो स्टार फिश को एक्चुअली हम 5 प्लेन से उसको या 5 एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं, तो किसी भी एक्सिस से उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलते हैं, इक्वल पार्ट्स वहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसे टाइप की जो सिमेट्री होती है, ये सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ओके, समझ में आ गया। अभी ये सिमेट्री का जो थर्ड पार्ट है वो है कि बायलैटरल सिमेट्री। अभी बायलैटरल सिमेट्री का मीनिंग क्या है, बाय का मतलब क्या होता है, टू, जैसे मोनो का मतलब वन वैसे बाय का टू। देखो स्टेटमेंट क्या है, इन दिस टाइप ऑफ बॉडी देयर इज ओनली वन सच ए इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हार्ट्स। अभी ये ग्रुप से जितने भी सारे एनिमल्स है, मतलब ऐसे जो एनिमल्स है कि उनकी बॉडी सिमेट्री बायलैटरल है, तो ये एनिमल कौन सा भी ऑर्गेनिज्म ले लेंगे हम, तो जब उसके बॉडी में हम इमेजिनरी एक्सिस फाइंड आउट करेंगे तो ये इमेजिनरी एक्सिस जो रहता है वहाँ पे ओनली वन ही रहता है। ओके, और ये एक्सिस से हम बॉडी को कट करेंगे तो हमें टू इक्वल पार्ट्स मिलते, एग्जैक्ट टू इक्वल टू ही मिलते हैं। ओके, इसके लिए तो उसको क्या बोला है, बायलैटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल है कि इंसेक्ट्स है, फिशेस, फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमन एटसेट्रा। जैसे कि आप बायोलॉजी रखोगे फिर 11th 12th में जाओगे तो आपको वहाँ पे या ग्रेजुएशन में फ्रॉग पहले था, अभी कॉकरोच ये सब है, तो जब हम इनके बॉडी को बाइसेक्शन मतलब उसका जो कट लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में उनकी बॉडी डिवाइड होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग का भी तो कट करेंगे बॉडी तो वहाँ पे हमें टू इक्वल हाउस मिलते हैं। तो ऐसे जो एक्सिस सिमेट्री होती है इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, मतलब बॉडी के किसी भी एनिमल के एग्जैक्ट टू इक्वल पार्ट्स मिलते हैं और उनका जो सेंट्रल ऑफ एक्सिस है या इमेजिनरी एक्सिस है वो सिर्फ एक ही होता है। फिर ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री। देखो सबसे पहला हमारा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये जैसे कि हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया, या क्लासिफिकेशन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे किया था, सबसे पहला था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सेकेंड जो हमने अभी देखा वो था बॉडी सिमेट्री। अभी क्लासिफिकेशन का जो थर्ड क्राइटेरिया है वो थर्ड क्राइटेरिया है जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी जर्मलेस मतलब क्या है, देखो अपनी जो स्किन है, स्किन के अंदर क्या है, लेयर्स है, जो लेयर्स हमारे बॉडी को या हमारे बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गेन्स प्रेजेंट है अंदर, इंटरनल ऑर्गेन जो भी है, ये ऑर्गेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब प्रोटेक्शन देने वाले ये सारे लेयर्स हैं और उनको हम कहते हैं जर्म लेयर्स। तो एक तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी डिप्लोब्लास्टिक का मतलब, डिप्लो मतलब टू लेयर्स, ओके, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स थ्री लेयर्स। अभी यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ द मल्टी सेलुलर एनिमल जर्म लेयर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फ्रॉम दोज जर्म लेयर्स ओनली डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म इन द बॉडी। अभी ये जर्म लेयर्स एक्चुअल में कब तैयार होते हैं, जब बॉडी का जैसे कि एम्ब्रियो फॉर्म, जैसे सबसे पहले तो जायगोट फॉर्म होता है, तो इसी स्टेज में जर्म लेयर्स फॉर्म होना स्टार्ट होता है। तो मतलब कि एकदम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये जर्म लेयर का डेवलपमेंट होता है। फ्रॉम दोज जर्म लेयर्स ओनली डिफरेंट टिश्यूज आर फॉर्म, और ये जो जर्म लेयर फॉर्म्स होते हैं, तो जर्म लेयर फॉर्म होने के बाद तुरंत वहाँ पे क्या होते हैं, टिश्यू फॉर्म भी होते हैं। जैसे हमारे बॉडी, जैसे कि स्किन कंसिडर स्किन है, तो स्किन के अंदर बहुत सारे क्या है, लेयर्स है, और ये जो लेयर्स है, जैसे स्वेट ग्लैंड ले लो, तो ये जो ग्लैंड है, जैसे कि स्वेट हमारे बॉडी के बाहर आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, या नहीं आपको याद तो 9th स्टैंडर्ड का लेसन एक बार देखो, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये जो जर्म लेयर्स है, तो जर्म लेयर्स क्या करते हैं, टिश्यूज भी फॉर्म करते हैं। इन केस ऑफ सम एनिमल ओनली टू जर्म लेयर्स आर फॉर्म, एग्जाम्पल ऑल सीडेरियंस। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि बहुत सारे एनिमल्स है कि जिनके बॉडी में सिर्फ दो ही लेयर होते हैं, जैसे डिप्लोब्लास्टिक,
बट बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से लेयर्स होते हैं अभी सबसे पहले तो देखेंगे कि सपोज टू लेयर्स है तो टू लेयर्स में रहेगा मेसोडर्म और एक्टोडर्म, सॉरी यहाँ पे रहेगा एंडोडर्म और एक्टोडर्म। अभी एंडोडर्म का मतलब क्या है, एंडो मतलब क्या रहता है अंदर और एक्टो मतलब बाहर, ओके। और बहुत सारे एनिमल्स है कि जिनके थ्री लेयर्स होते हैं, वो थ्री लेयर्स कौन कौन से होते हैं, एक रहता है मेसोडर्म, दूसरा रहता है एंडोडर्म और तीसरा है एक्टोडर्म। तो जैसे हम फिगर भी ड्रॉ करेंगे इसकी तो हमें कैसे मिलेगी, देखो सपोज ये क्या है स्किन के लेयर्स है, तो यहाँ पे ये जो सबसे बाहर का जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं एक्टोडर्म, अंदर का रहेगा उसको जो मिडल वाला है उसको कहते हैं मेसोडर्म और जो अंदर वाला रहता है इसको कहते हैं एंडोडर्म। तो एक्टो मेजो और एंडो ऐसे थ्री क्या होते हैं, थ्री लेयर्स होते हैं और ये थ्री लेयर से हमारी मतलब जो भी बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गेन्स हैं उनका प्रोटेक्शन होता है। तो ये हो गया जर्म लेयर्स के बारे में, ओके। तो याद क्या रखना है, एक तो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक रहेगी तो वहाँ पे क्या रहेगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगी तो एंडो मेजो और एक्टोडर्म, ओके। ये तीन लेयर्स रहेंगे। फिर जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है नेक्स्ट वो है बॉडी कैविटी। अभी देखो बॉडी कैविटी के बारे में क्या दिया है, कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि कौन सी बॉडी कैविटी मतलब क्या है, जो हमारी हमारे बॉडी का जो वॉल है, बॉडी वॉल है और जो इंटरनल ऑर्गन्स है इनके बीच में जो भी प्लेस है इसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी। और ह्यूमन में दो कैविटी होती है, एक तो हमारी चेस्ट कैविटी और दूसरी होती है एब्डोमिनल कैविटी। इट फॉर्म्स इन द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट पीरियड, और ये कैविटी का फॉर्म होती है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट पीरियड में ही फॉर्म होती है, और ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन द एनिलिडिया। ये जो क्लासिफिकेशन का हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया था, ये नेक्स्ट क्राइटेरिया है बॉडी सेगमेंटेशन। अभी बॉडी सेगमेंटेशन में एक्चुअल में क्या है, देखो इन द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स, देन सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट टेड बॉडी एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट। जैसे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि बॉडी के क्या होते हैं सेगमेंट्स होते हैं, ओके। जैसे कि अर्थवर्म को आपने देखा होगा तो उसके पूरे बॉडी के लेयर पे ऐसे सेगमेंट ऐसे दिखते हैं, ओके। तो ये जो सेगमेंट्स हैं तो ये सेगमेंट को क्या कहते हैं बॉडी सेगमेंटेशन। वहाँ पे जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं या यूनिट्स होते हैं ये यूनिट्स को हम कहते हैं सेगमेंट, ओके। सो और ऐसी बॉडी जिस एनिमल की होती है उनके उस एनिमल के बॉडी को सेगमेंटेड बॉडी ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, तो ये क्राइटेरिया टोटल फाइव पॉइंट के ऊपर है। सबसे पहला था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड था सिमेट्री, थर्ड था यहाँ पे जर्म लेयर्स, फोर्थ था बॉडी कैविटी और लास्ट में था बॉडी सेगमेंटेशन। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ है, और इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके। तो क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त जितने भी सारे पॉइंट्स बोर्ड पे मेंशन किए वो सब आपके आंसर में आने जरूरी है, और इसी पॉइंट के थ्रू आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो ये वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।